नेहा चाय बना दो ना। 8 बजे रात में कोई चाय पीता है क्या? कौन पीता है? हम पीते हैं। शांति से खाना बनाने दीजिए, शांति से खाना बना दीजिए। हाँ, बनाओ। बस आप शूट करते जाइए। 11 रहने रहिए, गोदी में रह के खाना बनाना पड़ रहा है आप, कितना कष्ट है ना। हाँ, क्योंकि आप तो शूट कर रहे हैं ना वीडियो। टैंटन और पेश है नेहा के हाथ का गर्मा गर्म तंदूरी रोटी और पनीर के सब। हेलो YouTube फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और हम लोग लेके आए हैं आपके सामने ये नया ब्लॉग। लॉकडाउन चल रहे हैं और ये मेरे बालों का हाल देखिए, इतने बड़े बड़े बाल हो गए हैं और बाहर जा भी नहीं सकते हैं कटाने के लिए, और दाढ़ी भी बढ़ गया है बिल्कुल। जल्दी दुआ करते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और जल्दी से ये कोरोना भी ख़त्म हो। क्या हो रहा है? अभी जस्ट घी निकाले हैं, देखिए तो सारा घी निकला है। अब खाना बनाएंगे रात का। क्या बनने वाला है खाने में? खाना में बनेगा रोटी, आटा का तंदूरी रोटी। आटा का? और नॉर्मल सब्जी। नॉर्मल सब्जी, पनीर का। अच्छा, पनीर का। और लॉकडाउन भी चल रहा है तो घर से बाहर निकलना है नहीं, और हम लोग घर में दिन भर पड़े पड़े इतनी गर्मी में। और शाम को छत पे गए थे इंस्टाग्राम आईडी पे, कुछ हम लोग नया आईडी है हमारा इंस्टाग्राम, मैं डालूंगा आगे, और उस पर कुछ वीडियो बनाया है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाइएगा, वहाँ भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग ने वहाँ भी वीडियो बनाना शुरू किया है। बार बार सीढ़ी पे चढ़ने के लिए बेताब रहती है, चढ़ तो जाती है लेकिन उतरने का इसको नहीं पता। क्या रहा? चलो जल्दी चलो, कम चलो। इतने दिन से इनको बोल रहे थे आम लेके आइए, आम लेके आइए, देखिए आज लेके आए हैं। मन भी हो रहा था तो क्या करते, लॉकडाउन है तो मार्केट जाना है नहीं, दो जबरदस्त भेज तो आज भी नहीं जाते। और मन मन का क्या करे, मन इसीलिए तो लाए, मन के लिए तो लाए ना। क्या डांस करके दिखा दो तो बच्चे? डांस कर दो। नहीं, आज इसका मन नहीं है डांस करने का। अरे बाप। नेहा चाय बना दो ना। 8 बजे रात में कोई चाय पीता है क्या? कौन पीता है? हम पीते हैं। शांति से खाना बनाने दीजिए। शांति से खाना बना दीजिए। बनाओ। बस आप शूट करते जाइए। खाना का शूट करना है? ठीक है, तो यही आज ब्लॉग में डालोगी। हाँ, रेसिपी। हाँ। क्या रेसिपी था? आटे का तंदूरी रोटी, तंदूरी रोटी और पनीर का सिंपल सब्जी। हाँ। वाह, नया टाइटल है, पनीर का सिंपल सब्जी, यही आज टाइटल में डालेंगे। पनीर ले लिए हैं, कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, और फिर नमक, हल्दी, लाल मिर्च और लहसुन इसमें मिला देना है। मिलाओ जल्दी, भूख भी लग गया आपको। हाँ, कितना सारा टेस्टी चीज देखते आपको। क्या भूख तो आपको बहुत ज्यादा लग जाता है, अभी आप खाए हैं आम। फिर हम खाए, तुमने खाई है? हम भी खाए हैं, क्यारा भी खाई है। तो फिर हाँ, तो इसको आप इसमें डाल के थोड़ा पनीर को भून लेना है, तेल गर्म हो जाए उसके बाद डाल देते। लाल करके थोड़ा भून लेना है पनीर को। पनीर भुजा गया है, अच्छे से फ्राई हो गया, अब इसको निकालेंगे एक कटोरी में। कढ़ाई में तेल डालेंगे और 1 चम्मच घी डाल देंगे। प्याज चॉप करके हम रख लिए थे छोटा छोटा, अब इसमें डाल देना है। प्याज को लाल करके भून लेना, प्याज थोड़ा भुजा जाए तो थोड़ा अपने अंदाज से अपना आप नमक डाल दीजिए और लहसुन डाल दीजिए उसमें, और हल्दी, और हल्दी भी डाल सकते।
आधा चम्मच लाल मिर्च और धनिया में थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करके डाल दीजिए इसमें। अब इसको थोड़ा भून लीजिए अच्छे से मसाला। यहाँ टमाटर भी हम पीस के रखे थे, एक टमाटर जो कि इसमें डाल देंगे। अब इसको थोड़ा देर के लिए ढक देंगे। क्या रहने रहिए, गोदी में रह के खाना बनाना पड़ रहा है यहाँ, कितना कष्ट है ना। हाँ, क्योंकि आप तो शूट कर रहे हैं ना वीडियो, शूट कर रहे हैं इसलिए हमको ले लेना पड़ रहा है कभी कभी, ये तंग कर देती है बिल्कुल। क्या रहा, रोने लगती है। क्यों रोती हो, क्यों रोती हो? उम्मा दे दो तो क्या ना, उम्मा मसाला भुजा गया है और अब इसमें थोड़ा दही डालेंगे टेस्ट के लिए। अच्छा तरीका था, दही डालेंगे, थोड़ा पानी डाल रहे हैं अपने हिसाब से, अंदाज से, और उसके बाद इसको थोड़ा देर ढक देंगे ताकि ये उबल जाए। उसके बाद इसमें पनीर डालना है लास्ट में। पानी फूल गया है, अब इसमें पनीर डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा उबल जाए उसके बाद बंद कर देना है। आटा से तंदूरी रोटी बनाने के लिए हम लोग पहले आटा लेंगे जितना आपको चाहिए, उसके बाद नमक आधा चम्मच और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा चीनी, तो ये सब इसमें डाल देंगे आटा में। अब इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद दही से इसको सानेंगे आटा को। बेल लिए हैं, अब ये सेकेंगे। सीखने के लिए सबसे पहले रोटी पे पानी लगा दीजिए थोड़ा थोड़ा ताकि ये चिपक जाए तवा पर, हल्का पानी लग जाए तो रोटी को आराम से डाल के थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिए ताकि वो तवा में चिपक जाए। फर्स्ट क्लास तंदूरी रोटी, सारा मेहनत तो मेरा है। हम मेहनत ले भी नहीं रहे हैं, क्रेडिट गोज टू यू, फाइन, थैंक यू। पनीर हमारा रेडी है और तंदूरी रोटी दोनों तैयार है। देखने से तो बहुत टेस्टी लग रहा है यहाँ, बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा खाने में भी। ठीक है, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को और इस लजीज खाने को आप भी ट्राई कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।